हे गाइस, अभी वैकेशन का टाइम है और इस प्लानिंग के साथ साथ कि इस बार छुट्टियों में कहाँ घूमने जाना है, आप ये भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब आप बाहर रहेंगे आपके प्लान्स कहीं ड्राई होके ख़राब ना हो जाएं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे पास एक काफ़ी अच्छा आइडिया है जिससे आपके प्लान्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलिए फिर मैं फटाफट आपके साथ वो आइडिया शेयर कर दूँ। इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पानी रखने के लिए कंटेनर चाहिए। मैं अभी ये बर्तन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसे रिप्लेस कर दूँगी एक ट्रांसपेरेंट बॉटल से, क्योंकि उसमें पानी के लेवल को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। चलिए, कंटेनर को आपको किसी ऊँचे जगह पर रखना है। मेरे पास ये स्टैंड है, इसलिए मैं इसका सबसे टॉप वाला रैक कंटेनर को रखने के लिए यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा रैक ना हो तो आप किसी चेयर पे अपने वाटर टब को या कंटेनर को रख सकते हैं। वाटर टब में आप पानी भर दीजिए और उसके बाद आपको करना है प्लांट्स को अटैच इस टब से। वो आप किसी जूट की रस्सी से कर सकते हैं या फिर आप कॉटन क्लोथ या किचन टॉवल से रस्सी बना सकते हैं, जो अभी मैं आपको बनाना बताऊँगी। अगर आप जूट की रस्सी यूज़ कर रहे हैं तो उसके एक छोर पर आप एक पत्थर बांध दीजिए। इसे रस्सी उस कंटेनर के बॉटम तक चला जाएगा और जब तक उस कंटेनर में थोड़ा सा भी पानी रहेगा आपके पौधों को वो पानी मिलता रहेगा। मैंने ये जूट की रस्सी इस कंटेनर में डाल दी है। चलिए मैं अब आपको कॉटन के क्लोथ से रस्सी बनाना बताती हूँ। फ्रेंड्स, कॉटन के कपड़े से रस्सी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक धागा और कॉटन के कपड़े से कटी हुई कुछ स्ट्रिप्स, जिसकी चौड़ाई 2 से 3 इंचेस तक हो और लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं। बस आपका पानी वाला बर्तन और नीचे रखा हुआ पौधा कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये अब बस आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताने के लिए एक छोटा सा स्ट्रिप लिया है जिसकी लंबाई 10 इंचेस है और चौड़ाई 2.5 इंचेस। और आपको चाहिए होगा एक पत्थर जो कि हम कॉटन के स्ट्रिप में बांधेंगे, जिससे कि ये रस्सी पानी वाले बर्तन के नीचे तक चली जाए। कॉटन क्लोथ के स्ट्रिप के एक छोर पर पत्थर बांध दीजिए और फिर धागे से इस तरीके से लपेटते जाइए जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। काफ़ी आसान है, तुरंत बन जाता है ये स्ट्रिप और मुझे लगता है इसका परफॉर्मेंस जूट की रस्सी से ज़्यादा अच्छा है। चलिए, हमारे कॉटन के कपड़े से बनी हुई स्ट्रिप रेडी हो गई और अब इन्हें भी हम पानी वाले बर्तन में डाल देते हैं। ये देखिए पानी कैसे रस्सी से नीचे की तरफ आने लगा, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम अपने पौधों को कनेक्ट कर लेते हैं पानी वाले बर्तन से। इसके लिए आप रस्सी के एक छोर को अपने पौधे के पॉटिंग मिक्स में एक जगह पे दबा दीजिए और फिर रस्सी को घुमा दीजिए आप पौधे के चारों तरफ, और आप दबाने के लिए कुछ स्टोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इस रैक पे रखे हुए मैंने एक पौधे को कनेक्ट कर दिया है और एक पौधे को मैं कनेक्ट कर देती हूँ और फिर हम आगे कनेक्ट करेंगे इस रैक से नीचे वाले रैक पे रखे हुए पौधों को। लेकिन वहाँ पे होगा एक प्रकृति गार्डन ट्विस्ट, क्योंकि मैं नीचे वाले पौधों को सीधे पानी वाले बर्तन से कनेक्ट नहीं करने वाली हूँ, उन्हें कहीं और से कनेक्ट करने वाली हूँ। क्या होता है, जब पौधे की मिट्टी मॉइस्ट हो जाती है तो भी कैपिलरी एक्शन से पानी नीचे आता रहता है और फिर वो पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकलता रहता है, जिससे बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। आप क्या करिए, जो पौधा हमने पहले ही कनेक्ट किया है उसके नीचे आप एक बर्तन रख दीजिए जिसमें जो पानी ड्रेन आउट होगा वो स्टोर हो सके। पौधे को आपको थोड़ी ऊंचाई पर रखना है ताकि पौधे की जड़ हमेशा पानी में ना रहे। आप कुछ पेबल्स रख सकते हैं, कुछ स्टोन्स रख सकते हैं पॉट के नीचे उस कंटेनर में जिसमें आपको पानी इकट्ठा करना है, और फिर दूसरे कंटेनर में आपको सेम स्टोन से बंधी हुई रस्सी को डालना है और उसे कनेक्ट कर देना है अपने नीचे वाले पौधों से। ये मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव है और वेस्टेज ऑफ वाटर भी कम हो जाता है। आप 5 लीटर पानी से ही अपने कम से कम 12 प्लांट को कम से कम 6 दिन तक आराम से हेल्दी रख सकते हैं। मैं आपको आगे अपडेट भी दिखाती जाऊंगी। इसी तरीके से मैं बीच वाले रैक पे रखे हुए तीनों गमलों के नीचे एक कंटेनर रखूंगी जिसमें पानी इकट्ठा होगा और उसके बाद उस कंटेनर के पानी से मैं कनेक्ट करूंगी अपने नीचे वाले गमलों को।
ये देखिए मेरा पूरा सेटअप रेडी है। मैंने ऊपर वाले कंटेनर से चार पौधों को डायरेक्टली कनेक्ट किया है, तीन जो मिडिल वाले रैक पे रखे हुए हैं और एक पौधा काफ़ी नीचे रखा हुआ है क्योंकि उससे भी मैंने दो तीन प्लांट्स अलग कनेक्ट किए हुए हैं, और फिर तीन बीच वाले रैक के पौधों से मैंने नीचे वाले रैक के चार पौधों को कनेक्ट किया है। टोटल मैंने 12 पौधे कनेक्ट किए हैं और ये सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आपको आगे पता चलता जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस स्टेज पे कंटेनर को रिफिल कर दूँगी, पूरा भर दूँगी। आपको यही करना है, जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो कंटेनर को पूरा फिल कर दीजिए ताकि आपके आने तक पानी उसमें अच्छे से बना रहे। अभी मैं रिफ़िल करके इसे मार्क कर देती हूँ, टाइम और डेट मेंशन कर देती हूँ। वैसे तो मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने ये सेटअप आपके लिए ही रेडी किया है और मैं यहीं रहूँगी और इस पूरे सिस्टम को मैं ट्रैक करती रहूँगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे के अपडेट के साथ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, इतना पानी कम हो गया है, मतलब मेरे 12 पौधे जो इससे कनेक्टेड है उन्होंने ये पानी कंज्यूम किया है और थोड़ा तो इवेपोरेशन लॉस हुआ ही होगा और सबसे नीचे वाले लेवल के पौधों से थोड़ा पानी तो ड्रेन आउट हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले दिन। ये रहा आपके सामने आज के वाटर लेवल का अपडेट। सारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी स्टेट में हैं, सबकी मिट्टी अप्रोप्रिएटली मॉइस्ट हैं। ये सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारा पानी इस कंटेनर में बचा हुआ है जो आगे के कम से कम 4 दिन तो आराम से चल जाएगा। मीन्स आप 7 डे वैकेशन 5 लीटर वाटर में आराम से एंजॉय कर सकते हैं, और इस तरह का सिस्टम आप अपने बालकनी में बना सकते हैं, आप अपने टेरेस पे बना सकते हैं, इंडोर प्लांट्स के लिए बना सकते हैं। और किसी भी पौधे को मैंने ऐसे अरेंज नहीं किया है कि उसके जड़ पानी के अंदर रहे, मैंने थोड़ी ऊंचाई पे रखा है ताकि जो ड्रेन हुआ पानी है वो पौधे के जड़ के नीचे रहे और दूसरे पौधे वो पानी यूज़ कर सके। ये सारे समर स्पेशल वीडियो मैं अभी आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप समर वैकेशंस को अच्छे से एंजॉय कर सकें। आप भी जाइए घूमने, पौधों के लिए बस ये अरेंजमेंट कर दीजिए, काम ज़रूर आएगा। और वैकेशन से आने के बाद आपके पौधे हेल्दी मिलेंगे आपको, और आप फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ।